मुंबई से पुणे का सफर अब आप 35 मिनट से कम का समय में पूरा कर सकेंगे। ये इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने हाइपर लूप 1DP वर्ल्ड कंसोर्टियम को पुणे मुंबई हाइपर लूप परियोजना के ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के रूप में मंजूरी दे दी है। इस पहल से करीब $36 बिलियन के रोजगार पैदा होंगे। वर्जिन हाइपर लूप के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की बड़ी समर्थक है और कंपनी दुनिया का पहला हाइपर लूप प्रोजेक्ट लाएगी। आपको बता दें कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत पैसेंजर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अभी तक दुनिया में इसका कमर्शियल लॉन्च नहीं किया गया है। डीपी वर्ल्ड दुनिया की ग्लोबल ट्रेड लीडर है और भारत की प्रमुख मोटर्स और लॉजिस्टिक ऑपरेटर भी है। डीपी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के फेज वन को पूरा करने के लिए करीब $50 करोड़ का निवेश करेगी। वर्जिन हाइपरलूप वन के सीईओ जे वॉल्टर का कहना है कि दुनिया के पहले हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाने की रेस शुरू हो चुकी है और आज जो ऐलान किया गया है उसने भारत को इसकी मेजबानी में सबसे आगे कर दिया है। ये एक बड़ा कीर्तिमान होगा। साथ ही ये हाइपरलूप को जनता तक पहुंचाने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र दुनिया का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार करेगा और ग्लोबल हाइपरलूप सप्लाई चेन की शुरुआत पुणे से होगी। वेब 23 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।